Mateo. Leah. And my name is Siddharth. Sid is easy. Sid. ताकि इंडिया तो हम कभी भी घूम सकते हैं या फिर पास की कंट्रीज कभी भी घूम सकते हैं. आपको ऐसे केव हॉस्टल्स मिल जाते हैं, ऐसे होते हैं, ये देख रहे हो आप, ये पूरी केव के अंदर बने हुए हैं, केव हॉस्टल्स हैं. ये मेरा बेडरूम क्या कह रहा हूँ, मेरा हॉस्टल डॉर्म बेड है और काफ़ी कंफर्टेबल हैं ये. मतलब अंदर काफ़ी गर्म भी रहते हैं क्योंकि अभी कैपेडोकिया में काफ़ी ठंड है, ऐसे ना हीटर्स होते हैं यहाँ पे. और मेरे को मेरे जो यहाँ पे जो मैनेजर टाइप थे वो कह रहे थे कि ये ना पुराने टाइम में एक ओवन टाइप होता था, इसके अंदर दाल ये चिकन बनाते थे, बट अभी ये फंक्शनल नहीं है तो इन्होंने बंद कर दिया. तो ऐसे है भाई, आप मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा अगर आप कैपेडोकिया आ रहे हो तो आप केव हॉस्टल में ज़रूर रहो. इसकी छत पे चलते हैं, मैं आपको छत दिखाता हूँ इसकी, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिखता है भाई. ऐसी रूफ टॉप बनी हुई है, यहाँ पे एक बिल्ली सो रही है, ठंड लग रही होगी बेचारी को, काफ़ी ठंड है यार यहाँ पे. कैपेडोकिया ना इज़ नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर्स. मतलब यहाँ पे आप गर्मी में आओगे, बिकॉज यार रेगिस्तान है ना, एक तरह से रेगिस्तान ही है, तो आप गर्मी में आओगे ना मई अप्रैल में, मई थोड़ी तबीयत ख़राब है यार, माइंड दैट, तभी मैं कहीं बाहर वार नहीं जा पाया यार. लास्ट दो दिन से इतनी तबीयत ख़राब है ना, मतलब कहीं बाहर ही नहीं गया, कुछ नहीं करा मैंने, बस यहाँ पे हॉस्टल डॉर्म रूम में लेटर आ. मैं कल से आया हुआ यहाँ पे सिर्फ आराम ही कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ आराम ही फरमाया बिकॉज मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी. बट एनीवेज मैं कह रहा था एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं यहाँ पे, करीबन 40-45 डिग्रीज हो जाता है गर्मियों में, और विंटर्स में यहाँ पे लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर -39 तक भी गया है, और कल रात को यहाँ पे 4-5 डिग्री हो गया था, और अभी बारिश भी हो रही है यहाँ पे, तो मैं कहीं बाहर जा नहीं पाया इतना. बट ये है कैपेडोकिया, इसको कहते हैं लव वैली. लव वैली क्यों कहते हैं, बिकॉज यार मैंने बताया था शायद स्टार्ट ऑफ द वीडियो में, और कैपेडोकिया का एक्चुअली नाम होता है लैंड ऑफ लवली हॉर्सेस, बिकॉज आई थिंक पुराने टाइम में जब पर्शियन लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ पे काफ़ी ना बहुत ही ब्यूटीफुल हॉर्सेस होते थे, तो वापस अपने साथ पर्शिया लेके चले गए थे, तो कैपेडोकिया को लैंड ऑफ ब्यूटीफुल हॉर्सेस भी कहते थे. This 1 week, it's not vacation, it's remote work. Wow. तो यार बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा, ये बिल्ली यहाँ पे बैठ गई है. And brother from Japan. Hey. Hello bro. Hey, hello. What's up? Your feet is getting better? Yeah, it's getting better. यार भाई ना यहाँ पे, how many days before did you come here? The 3 and 4 days ago. 4 days. And I'm taking rest for like 3 days. Yeah. Now. You sprained your ankle. Oh, yeah. भाई के पैर में लग गई यार, because mountain चढ़ रहे थे और कूदे और उसके बाद उनके ना पैर में लग गई. बट यू सॉ द बलून्स राइट? या, इट वाज ब्यूटीफुल. यू गाइस शुड लाइक इट. यू गाइस शुड कम हियर एंड वॉच दैट. आह, थैंक यू सो मच. थैंक यू. वेयर आर यू फ्रॉम ब्रदर? चेक रिपब्लिक. आह, ओके, आई वाज इन प्राग कपल ऑफ मंथ्स अगो. या, आई लव प्राग. बट वेयर फ्रॉम? या, दिल्ली, इंडिया. आह, आई लाइक इट. ओह, यू बीन देयर? या, ओके. वाओ. दे हैव ब्लैक ऑलिव्स हियर राइट? यार ये ब्लैक ऑलिव्स होते हैं यहाँ पे, थोड़े बिटर होते हैं, बट दिस इज बिग पार्ट ऑफ तुर्किश क्विजीन. या, सो यू सॉ द बलून्स राइट? या, फ्रॉम हियर. सॉरी, बट मैं शायद लकी नहीं हूँ क्योंकि मेरे को कल निकलना है और यहाँ पे कोई आसार नहीं दिख रहे बलून्स आने के, बिकॉज लास्ट 2-3 days देयर हैव बीन नो बलून्स बिकॉज ऑफ द वेदर. या, इट्स कोल्ड एज वेल राइट? या, इट्स प्रीटी कोल्ड. सो हाउ लॉन्ग इज योर ट्रिप? इट्स बीन लाइक 2 months. Two months. Okay, where all did you go? I'm sorry? Where all did you go? I traveled Europe, mm-hmm. like Italy, UK, mm-hmm. Germany, mm-hmm. Wales, the Poland, Czech. Okay. And I forgot the other places. And then you flew to Turkey? Yeah. Okay. I flew from Berlin. Uh-huh. And how long is your trip usually? Like this trip? This trip is going to end in 2 weeks, I guess. Two weeks? Two weeks or okay, three same, weeks. Okay, same as me. Yeah.
And you fly back to Japan? Yeah. No, I'm going to Southeast Asia. Oh, okay, you're going to Southeast Asia. Yeah. All right. After that, I'm going back to Japan. Southeast Asia is always a good idea. But actually, I've never been there. You've not? Because, it's close to Japan. So you think, if it's close, you think that you can go... Anytime. Yeah, anytime you want. Yeah. So you eventually don't go. और इवन इन योर ओन कंट्री यू फील दैट वे भाई इंडिया के बारे में यही होता है हमें लगता है कि इंडिया तो हम कभी भी घूम सकते हैं या फिर पास की कंट्रीज कभी भी घूम सकते हैं बट आई रियली वांट टू कम टू जापान मे बी नेक्स्ट ईयर आई वांट टू कम फॉर द चेरी ब्लॉसम अप्रैल राइट या इट शुड बी पैक्ड क्राउडेड बट इट्स वर्थ इट्स वर्थ आई एम श्योर इट इज आई रियली वांट टू कम टू जापान ऑलराइट तो यार निकला हूँ थोड़ा सा वॉक लेने के लिए मैंने सोचा यार कुछ तो दिखाऊँ आप लोगों को यार यहाँ पे काफ़ी कुछ है वैसे करने के लिए कैपेडोकिया में आप हॉट एयर बलून की राइड ले सकते हो जो ऐसे दिख रही है भाई हॉट एयर बलून दिख रहा है आपको वहाँ पे हॉट एयर बलून राइड ले सकते हो बट यार वो आजकल हो नहीं रही है हो इसलिए नहीं रही बिकॉज यहाँ पे ना विंड स्पीड काफ़ी तेज़ है और अभी विंटर आ गई है विंटर में यूजुअली हॉट एयर बलून राइड्स होती नहीं है अब और दिसंबर में तो बिल्कुल भी नहीं होंगी तो दिस इज़ नॉट द आइडियल टाइम टू विजिट कैपेडोकिया आप आइडियली आप मार्च अप्रैल से लेके आप अक्टूबर तक आप कर सकते हो काफ़ी सारे टूर्स आते हैं यार यहाँ पे हॉर्स राइडिंग टूर एटीवी का टूर काफ़ी सारे टूर्स होते हैं यार यहाँ पे कैपेडोकिया में ना खाना बड़ा महंगा है तो मैं अपने लिए थोड़ी शॉपिंग करने आया था मैं यहाँ पे कल शाम तक हूँ तो अपने सारे मील्स मैं यहीं से बना लूँगा अंडे ले लिए हैं थोड़ा सा चिकन ले लिया है ब्रेड ले लिया है यहाँ की सुपरमार्केट्स काफ़ी सस्ती हैं उसके कंपैरिजन में रेस्टोरेंट्स बहुत महंगे हैं यहाँ पे कैपेडोकिया में इस्तानबुल में तो आप सस्ते में खा सकते हो बट यहाँ पे ज़्यादा बजट ईटिंग ऑप्शन है नहीं तो मैं सारा अपना सुपरमार्केट से ले रहा हूँ वैसे मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है तो घर पर बना लूँगा तो बेटर होगा चलते हैं भाई यार मैंने ना कैपेडोकिया में कुछ भी नहीं करा क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और मेरी रात की ना बस है यहाँ से जॉर्जिया के लिए जॉर्जिया मेरा नेक्स्ट स्टॉप होगा और मैं वहाँ पे से 5 या 6 दिन ही हूँगा बिकॉज यार मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है तो मेरे पास दिन बचे नहीं है तो जाने से पहले सोचा यार कुछ तो घूमाते हैं तो ये जाती है बस उचिसार कैसल तक तो वो कैसल देखाएंगे बस शाम को मेरी 8 बजे बस है तो वापस आके हॉस्टल में थोड़ा आराम फरमाएंगे भाई बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी लास्ट 2 दिन मेरी कुछ भी करने का मन नहीं करा लिटरली मैंने कुछ नहीं करा मैं 2 दिन सिर्फ सोया और वो भी मेरे को कम लग रहे हैं मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है तो ठीक है भाई ये देखाते हैं वैसे आप वॉक करके भी जा सकते हो 1 घंटा लगता है बट यार मैं ये बस ले रहा हूँ मेरे से चला नहीं जाएगा अभी ठीक है भाई दिखाते हैं आपको उचिसार कैसल देखते हैं कितना देख सकते हैं कैपेडोकिया ये दो जनाब हमारे साथ हैं ब्रदर फ्रॉम कोलंबिया यस नी आपला स्पैनियल नो आई कांट स्पीक स्पैनियल योर नेम ब्रदर वी डिडंट एक्चुअली एक्सचेंज नेम्स वी नो ईच अदर फॉर 2 डेज बट वी डोंट नो ईच अदर्स नेम्स मैटियो लिया एंड माय नेम इज सिद्धार्थ सिड इज इजी सिड इज इजी ऑलराइट एंड हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ऑन द रोड 6 months या यार काफी प्रो ट्रैवलर्स हैं लोग आई सॉ योर बैग एंड आई कुड टेल दैट यू हैव ट्रैवल्ड अ फेयर बिट यू नो यू आर कैरिंग लाइट एंड दैट्स रियली गुड या नॉट टू मच थिंग स्पेशली फॉर द बैग यू नो या कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस मेरी पीठ खराब हो गई तो मैं लोगों को बोल रहा था कि यार कम कैरी करो बेटर है ये उचिसार कैसल है तो यहाँ पे जा रहे हैं थोड़ी एनर्जी जान में जान आई मेरी यार थोड़ा सा ट्रैवलर्स से मिल लेते हैं और ये व्यू अच्छा है काफी पूरा कैपेडोकिया एरिया है यार 3 दिन हुए हैं और मैंने पहला बलून देखा है अभी तक बिकॉज यार अभी ना विंटर चल रही है और यहाँ पे ना ठंड काफ़ी है और विंड स्पीड भी काफ़ी तेज़ है तो बलून चल नहीं रहे हैं अभी बट हो सकता है कल परसों चलेंगे बट भाई मेरे को तो पहुँचना है जॉर्जिया मेरा तो वीज़ा ख़त्म हो रहा है मैं ओवरस्टे नहीं कर सकता मेरा वीज़ा 26 को ख़त्म हो रहा है और आज 19 तारीख है और मेरे पास 4 या 5 दिन ही होंगे जॉर्जिया में जो काफ़ी नहीं है बट ठीक है भाई सो इज़ लाइफ अपना वीज़ा एक्सटेंड तो नहीं कर सकते और ना ही डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं तो ठीक है भाई चलते हैं इसके ऊपर चलते हैं भाई उचिसार कैसल यार ऐसा कुछ
इस कासल से और आप ऊपर जा सकते हो पूरा यहाँ से ऊपर। यार वो दूर डिस्टेंस में ना रोज़ वैली है यहाँ पे, और ये पूरी कैपाडोकिया की सिटी है, पूरे रॉक फॉर्मेशन है यहाँ पे, अलग अलग वैलीज़ हैं, रोज़ वैली, लव वैली, बहुत सारी वैलीज़ हैं यहाँ पे, और अलग अलग रंग के माउंटेन्स हैं। यार ये बिल्ली मिली है मेरे को यहाँ पे। अरे 2 मिनट से बैठी थी आराम से, 2 मिनट से आराम से बैठी हुई थी, फिर इसको दिक्कत होनी शुरू हो गई। हेलो मिस्टर कैट। ये बिल्ली, हम, भाई और भाई की गर्लफ्रेंड, हम सब यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं भाई, मेरी थकावट थोड़ी सी बेटर हुई यार। और यार हिस्ट्री विस्ट्री मैं नहीं बता पाऊंगा यार इस जगह की, मैंने कोई रिसर्च नहीं करी, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। भाई ऐसा पूरा ना मार्केट एरिया बना हुआ है और रेस्टोरेंट्स और कैफेज हैं जो मैं इतना दिखा कुछ पाया नहीं। सुपरमार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे होटल्स हैं, तो आप यहाँ पे कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। बट हालांकि थोड़ा महंगा है मैं कहूँगा। मैंने यहाँ पे कोई मील बाहर नहीं खाया, मैंने यहाँ पे अपना घर पे ही बनाया पूरा खाना। पहले तो मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरा बाहर निकलने का मन नहीं था, बट यहाँ पे ना रेस्टोरेंट्स थोड़े महंगे हैं, तो आप घर पे बैठ के भी बना सकते हो अपना चिप्स विप्स, इवन अल्कोहल आपको हर चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे, बहुत इजीली अवेलेबल है। और इंडियंस भर के हैं भाई यहाँ पे, इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं बहुत सारे, आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी दिख जाएंगे यहाँ पे, तो क्योंकि इंडियंस आते हैं ना भाई, इस्तांबुल कैपाडोकिया ट्रैवल करते ही हैं। यार जैसे बताया था ना, ये अलग अलग टूर कर सकते हो आप, रेड टूर, ग्रीन टूर, बलून टूर। बलून टूर सबसे फेमस है यहाँ पे, बट अगर बलून टूर करना है ना तो यार अच्छे टाइम पे आना आप, अगर विंटर में आ रहे हो तो दिक्कत होगी आपको यहाँ पे, आपको पता नहीं चलेगा किस दिन पे हो रही है, क्योंकि वो विंड स्पीड और बहुत चीज़ों पे निर्भर है। तो मेरे होते हुए 3 दिन रुका मैं यहाँ पे, और एक भी दिन बलून राइड नहीं हुई, बट कल या परसों होगी, क्योंकि कल या परसों वेदर अच्छा होगा और आज भी वेदर काफ़ी अच्छा है, तो हो सकता है कल हो जाए। बट मैं कभी और आके करूँगा भाई कैपाडोकिया, फिर से आएंगे हम लोग कभी तो कर लेंगे भाई बलून राइड। बलून राइड थोड़ी महंगी भी है, बलून राइड करीबन यार बहुत डिफरेंट प्राइसेस हैं, जो आपको बहुत कॉमन प्राइस सुना होगा वो होगा 150 यूरो, 150 यूरोस, बट आपको उससे सस्ती भी मिल सकती है। मेरे को पता है लोगों ने 50-60 यूरो में भी बलून राइड करी है, तो ठीक है वो आप आके यहाँ पे पता कर सकते हो। ये था मेरा हॉस्टल, ये वाला, इसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पे करीबन 2 या 3 दिन बताए, प्रिटी मच कमरे के अंदर बताए भाई, और दोस्तों से बातचीत करी, बस रिलैक्स करा यार, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी 2 दिन से। बट बैग पैक है मेरे, करीबन टाइम हो रहा है 5 बजे हैं, मैं हूँ कैपाडोकिया में और हम लोग निकल रहे हैं भाई जॉर्जिया की तरफ। जॉर्जिया का सफ़र यहाँ से करीबन 12 घंटे का होगा। यहाँ से बस जाती है होपा की तरफ, होपा है तुर्की जॉर्जियन बॉर्डर पे, तुर्की साइड पे, तो वहाँ से मैं बॉर्डर क्रॉस करूँगा जॉर्जिया के अंदर, और फिर हम पहली सिटी जाएंगे बातूमी। तो मैं अभी रात को 8 बजे निकलूँगा और कल सुबह 11 बजे के करीब मेरे को होपा पहुँचा देगी, तो करीबन 12 या 13 घंटे का सफ़र है, और फिर वहाँ से इमिग्रेशन पे टाइम लगेगा, उसके बाद बातूमी पहुँचेंगे, तो भाई दोपहर तो लगी जाएगी। ठीक है भाई, अब करना है तो करना है, मैं बस थोड़ा अनवेल हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, निकलते हैं भाई जॉर्जिया की तरफ प्रस्थान करते हैं। हालांकि बस में ही सफ़र निकालना है, मैं सोते सोते निकाल दूंगा। ठीक है भाई चलते हैं, आपको दिखाऊंगा इमिग्रेशन कैसी होती है। बस तो वैसी होती है तुर्की की, काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल टाइप। ठीक है चलते हैं भाई जॉर्जिया, तुर्की बाद में मिलेंगे हम लोग फिर से।